बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है कश्मीर चाय, जिसे पिंक चाय कहते हैं, जो शादियों में बनाई जाती है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से ये चाय बन जाती है। और हमने बहुत ही आसान तरीके से आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और हमें बताएंगे कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत आसान तरीके से इस चाय को हमने बनाया है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका, पिंक। और क्योंकि इसमें हमने कोई कलर वगैरह नहीं डाला, अब रहेगी वो 6 मिनट। और ये देखें, अब हम आपको पीकर बताते हैं कि ये चाय कैसे बनी है। बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारी चाय बनी है। ये देखें, ऊपर हमने डाला है थोड़ा सा पिस्ता और बादाम। चाय को बनाने के लिए बस कश्मीरी चाय, कश्मीरी पत्ती चाहिए, बादियान का फूल, 2 अदद इलायची, 2 अदद लौंग, और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और 1 कप दूध। ये 1 कप दूध और 1 कप पानी से ये हमारे 2 कप चाय तैयार हो गई है। बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के साथ ये वीडियो हम शेयर करने लगे हैं। उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और हमें बताएंगे कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। चलिए आए बनाते हैं अपनी वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और हमें कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये गर्म गर्म चाय पीने का मज़ा आता है। चले जी, देखें हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं अपनी पिंक टी कश्मीरी चाय, जिसके लिए ये मैंने 1/2 कप लिया है दूध का, और 1 कप पी है हमारा पानी, और 2 टेबलस्पून है हमारी कश्मीरी चाय, ये पिस्ता बादाम, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल, 2 अदद इलायची। ये सबसे पहले हम पानी को चढ़ा देंगे चूल्हे पे, और फिर उसमें डालेंगे, फिर जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर उसमें डालेंगे कश्मीरी पत्ती। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे अपनी पत्ती। इसमें पत्ती, ये 2 टेबलस्पून हमारे पत्ती के, ये मैं डाल दूंगी इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें 2 अदद इलायची, पानी हमारा पकने लग गया है, अब 2 अदद इलायची डाल देंगे इसमें हम। 2 अदद इलायची डाल दिए मैंने इसे इसमें, फूल, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, अब ये डाल देंगे इसमें हम, और इसे अच्छी तरह पकाएंगे ताकि पत्ती का जो भी है वो सारा इसमें पानी में आ जाए। पत्ती ने अपना रंग छोड़ दिया, और ये देखिए पानी में रंग निकला है। ये ठंडा पानी है, अब मैं इसमें 1 कप डालूंगी ठंडे पानी का। ये देखिए पानी, ठंडा पानी डालेंगे इसमें 1 कप हम। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं और अच्छी, बहुत अच्छी चाय बनती है, कलर भी बहुत अच्छा होता है इसका। अब मैं ये 1 कप पानी का डाल दूंगी, ठंडे पानी का। ये देखो बर्फ जमी हुई है पानी में। अब 1 कप पानी डालेंगे ये ठंडे वाला, और इसे अच्छी तरह से फिर करेंगे। कलर इसका कितना प्यारा निकल आया है, कोई कलर शलर नहीं हमने डाला। ये देखिए पत्ती ने कितना प्यारा कलर छोड़ दिया है, इसे अच्छी तरह फेंटेंगे अब।
तकरीबन 5 मिनट हो गए हमारे इस कावे को पकते हुए, इसका सारा कलर निकला है इसमें। ज़ोर ज़ोर से फेंटेंगे ताकि कलर इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए कलर कितना प्यारा कलर आ गया। 5 मिनट हो गए हमारी चाय को पकते हुए। अब हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब उतार के हम इसे छान लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। गरम करते हैं दूध को। इसमें डालूंगी ये 2 टेबलस्पून में चीनी। दूध हमारा पकने लग गया। अब हम डालेंगे इसमें अपना ये कावा, और ये हम फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम फ्रेश ही बनाएंगे क्योंकि इस कावे को बना के हम रख भी सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। माशाल्लाह से देखें ये कलर कितना प्यारा आ गया और बहुत ये। अब इसे थोड़ी देर हम बस वाह ये देखें कितना प्यारा कलर आया। बेबे माशाल्लाह ये देखें, ये मेवे डालेंगे हम इसके ऊपर। हमारे चाय के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे ऊपर डालेंगे अपना मेवा, ये पिस्ता बादाम। ऐसे चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत लजीज टेस्टी हमारी चाय बनी है। मज़ा आ गया इसे पीने में। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। अब दे हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।